हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रानीवाड़ा पुलिस की कार्यवाही, बाइक से 2.5 ग्राम अवैध स्मैक बरामद, एक गिरफ्तार। रानीवाड़ा पुलिस ने सेवाड़िया सरहद में एक मोटरसाइकिल से 2.5 ग्राम अवैध स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह के आदेश अनुसार जिले में अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम हेतु तस्करों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सांचौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दशरथ सिंह एवं रानीवाड़ा पुलिस उप अधीक्षक रतनलाल मेघावल के निकटतम सुपरविजन में रानीवाड़ा थाना अधिकारी पद्माराम राणा के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा पिछले काफी समय से अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के बारे में सूचना संकलित की गई। शनिवार को थाना अधिकारी पद्माराम मय जाप्ता लोकल एवं स्पेशल लेट की कार्यवाही करने हेतु हल्का गश्त के दौरान सेवाणिया सरहद में एक व्यक्ति बिना नंबरी सीबी लाइन मोटरसाइकिल लिए हुए आता संदिग्ध प्रतीत होने पर रुकवाकर तलाशी ली गई, तो आरोपी सांत्रु निवासी सुरेंद्र कुमार पुत्र रघुनाथ राम विश्रोही के कब्जे में 2.5 ग्राम अवैध स्मैक हीरोइन बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया, बिना नंबरी सीबी साइड मोटरसाइकिल को भी जब्त किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मादक पदार्थ के खरीदे फरोख्त के संबंध में जसवंतपुरा थाना अधिकारी मनीष सोनी द्वारा गहन पूछताछ जारी है। उक्त कार्यवाही में थाना अधिकारी पद्माराम राणा के साथ एएसआई किशनलाल, जांकाराम, कांस्टेबल मसराराम, सुखराम एवं चालक जय किशन शामिल रहे। जागरूक टीवी के लिए रानीवाड़ा से मदन माहेश्वरी की रिपोर्ट।